जो मेरे साथ मतलब ऑयलर है मेरे साथ जो मेरे साथ शिप पे हैं ही इज अ फिलिपिनो एंड ही इज रियली फॉन्ड ऑफ बाइकिंग और जो इसकी फेवरेट बाइक है सो व्हिच इज योर फेवरेट बाइक हायाबुसा हायाबुसा या सो जब मैंने उसको बताया कि मेरे पास हायाबुसा है सो हाउ यू फील हायाबुसा या इट वाज वेरी फन या मतलब अपने रूम में आके ना और एक तो ये अलार्म पैनल अभी फिर से आ गया पिछले शिप पे यही पैनल यहाँ पे था हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग आज मैं जल्दी उठ गया तो जल्दी उठने के बाद मैंने शावर लिया अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स खा लिए सामान थोड़ा सा पैक करना था वो पैक कर लिया और वैसे ये वाला बॉयलर सूट जो है जो वाइट वाला ये मैंने अपने दूसरे थर्ड इंजीनियर से लिया क्योंकि मेरे जो थे दोनों मैंने रात को धोए थे अभी तक वो सूखे नहीं है क्योंकि बाहर का मौसम भी ठंडा हो रहा है थोड़ा सा और अंदर भी जो ड्रायर है वो थोड़ा सा ठंडा ही हो रहा है तो ड्राई नहीं कर रहा है मतलब उसको हॉट ब्लोअर की तरह वर्क करना चाहिए बट वो एयर ब्लोअर की तरह काम कर रहा है सो इसलिए मेरा दोनों के दोनों बॉयलर सूट गिले हैं और अब मैं रेडी हो रहा हूँ और जैसे अब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ सो लास्ट वन बस इसे भीगे हुए ड्राई फ्रूट खाना मेरे को बड़े पसंद है बस पड़े हैं गिनती के 10 मिनट काफ़ी वैसे ओट्स और ऑमलेट खाने के लिए मैंने जेपकुक को बोला था कि मेरे लिए ऑमलेट बना दिया मसाला वाला उसने वही बनाया और देखने में ही बहुत मस्त लग रहा है डे अच्छा गया तो 5 बजे के बाद नॉक ऑफ हो गया 8 to 5 जैसे होता है इंजन रूम से अभी भी जस्ट अपने रूम कैबिन में आया हूँ बाहर बहुत गर्मी हो रही है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है इस एरिया में हमें लगा था शायद मतलब सुबह बहुत अच्छा लग रहा था बट अभी आते आते शाम को भी इवन गर्मी होने लगी है इंजन रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अगर आप 5-10 मिनट भी चलो तो आपको पूरा बॉयलर सूट ना भीग रहा है मैं अभी भी आज भी फिर से वॉशिंग के लिए डाल रहा हूँ बॉयलर सूट तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम ये कल जिम नहीं गया था 2 दिन हो चुके मैंने कुकी को बोल दिया कि मेरा डिनर पैक करके रख दे तो मेरे साथ जो है वो है मोटरमैन ही इज अ फिलिपिनो एंड ही इज रियली फॉन्ड ऑफ बाइकिंग और जो इसकी फेवरेट बाइक है सो व्हिच इज योर फेवरेट बाइक व्हिच वन यू वर टेलिंग मी जब मैंने उसको बताया कि मेरे पास हायाबुसा सो ही वाज रियली एक्साइटेड कि यू थर्ड यू हैव अ हायाबुसा सो हाउ यू फील अबाउट द हायाबुसा या इट वाज वेरी फन या यस इट वाज लुक्स द ब्यूटी वाज सो ब्यूटीफुल मोटर बाइक या At your place, anyone owns Hayabusa? Some rich man, I saw. But if you have a choice between BMW 1000R and Hayabusa? I will choose Hayabusa. You will choose Hayabusa? Yeah! Abhi baja aayega na bhido. Alright. So see, he will choose Hayabusa. So Hayabusa matlab har kisi ki choice hai. Chahe wo duniya mein koi bhi ho. Sabko chahiye Hayabusa. So I'm done with the gym. Abhi bhi main aaya hu yahan pe. और बाहर में देख रहा हूँ कि अभी भी ना सन दिख रहा है देखो बिल्कुल क्लियर है मतलब सामने अभी तक सनसेट हुआ नहीं है और यहाँ पे हमारा डिनर भी रेडी है तो होता है ऐसा लग रहा था कि जैसे घर पे मैं कुछ खाता नहीं और यहाँ पे शिप पे आ गए आपको डिनर भी पहले करना होता है तो कितना अजीब चीज़ है वैसे कि शिप पे आके ना सारा रूटीन चेंज हो जाता है आप एकदम से अपने टाइमिंग पर खाना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करना होता और लंच पे आज फिश थी शिप पे आके ना ये सब कुछ डाइट हो जाती है और इतनी जल्दी खाना खाने की वैसे आदत नहीं है बट हाँ ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप जितनी जल्दी अपना मील खा लोगे तो उतनी आपकी बॉडी में फैट तो स्टोर होगा ही नहीं 7 बजे से पहले जैसे आप खा रहे हो और डाइजेस्ट भी हो जाएगा
प्लस अगर रात को कुछ खाना भी होता मेरे को तो मैं कॉर्नफ्लेक्स ले लेता हूँ या फिर ओट्स ले लेता हूँ या खाली दूध। तो दिस इज एक्चुअली फॉर द फायर फाइटिंग ड्राई केमिकल पाउडर सिस्टम, वही पूरा इसका इंस्टॉलेशन है। यहाँ नाइट्रोजन बॉटल्स है जो प्रेशराइज करने के लिए यूज होती हैं इसको। बेसिकली जनरेटर का हेड मतलब पिस्टन के जो ऊपर होता है भाई, इसको असेंबल कर रहे हैं। इसको असेंबल करने के बाद फिर जनरेटर के ऊपर हेड चेंज करेंगे। इस हेड को असेंबल करने के बाद जनरेटर का हेड चेंज करेंगे और ये होता है हेड जो पिस्टन के ऊपर होता है जहाँ वाटर कूलिंग होती है। तो अभी मैं प्योरीफायर रूम में हूँ एंड बेसिकली मैंने वेल्व खोला, जनरेटर लूब ऑयल प्योरीफायर रन कर रहा हूँ मैं। बेसिकली आपको प्योरीफाई करना है ऑयल को अगर कोई भी इम्प्योरिटी हुई तो। अभी मैं प्योरीफायर स्टार्ट कर रहा हूँ, फीड पम्प स्टार्ट कर दिया, सेपरेटर स्टार्ट कर दिया, अब स्टैंड पे आ गया। नहीं तो अगल फोर्स पे वर्क करता है इसका प्रिंसिपल बेसिकली, जब तक RPM अपनी एग्जैक्ट RPM पे नहीं आता तब तक यहाँ पे स्टैंड पे नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये फीड रेट है जो हमने प्योरीफायर में सेट किया 1.2 क्यूबिक पर आवर। इतना फ्यूल, इतना लूब ऑयल आएगा एक घंटे में, अभी इंक्रीज होगा टेम्परेचर और बाकी आपको चीज़ चेक करनी होती है कि बैक प्रेशर कितना है। इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाता नहीं, आज संडे है तो बिरयानी दोपहर की स्पेशलिटी है, उसके साथ साथ आइसक्रीम। और आज है वनीला विद चॉकलेट सिरप। या बाहर का व्यू इतना प्यारा हो, यहाँ पर मिट्टी आ गई है यहाँ पे तो मिट्टी है मतलब, बाहर बहुत वैसे अच्छा व्यू है। तो हम बाहर डेक पे जाके ना हम सब खड़े होके खा रहे थे और मैंने एक और स्कूप लिया, मतलब ये दूसरा स्कूप है मेरा। और देखने से ऐसा लगता है कि धूप निकली हुई कहाँ खाना खाएं, बट वही है शिप पे खाना खाने की आदत हो जाती है और पता नहीं कैसे भूख लग जाती है शिप पे, ये किसी को नहीं पता।